हर हर महादेव। हमारी एक महात्मा से चर्चा हो रही थी, सतदेव ब्रह्मचारी जी। उन्होंने पूछा है कि भाई चातुर्मास के मुख्य मुख्य नियम क्या हैं, उनको आप बताइए। तो मैंने कहा देखो हम बतलाएंगे, कुछ उनको बतलाया और बोले वीडियो बना करके भी देना, हम और महात्माओं को भी बतलाएंगे और कभी सुन लेते हैं। तो देखिए चातुर्मास के जो है, चातुर्मास कहिए या हरि शयन काल कहिए, यानी जब देव शयन, या देव का अर्थ भगवान विष्णु है, तो हरि शयन कहें या देव शयन कहें, आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर के और कार्तिक शुक्ला देव प्रबोधिनी एकादशी तक, देवशयनी से देव प्रबोधिनी तक, ये जो चार महीने हैं इन्हीं को चातुर्मास कहा जाता है। और इनमें कई विधि निषेध हैं, चारों वर्णों चारों आश्रमों के लिए कुछ विधि हैं, कुछ निषेध हैं कि ये भाई ये कार्य करिए और इसको मत करिए। तो विधि से निषेध बलवान होता है कि भाई ये नहीं करना है, ये नहीं करना, वो जो ये कर रहे हैं वो भले नहीं कर पाए, कम से कम नहीं करना वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इन कोई कहे कि हमें चातुर्मास में हमें क्या लेना देना है, हम तो महात्मा नहीं है, हम तो जो गृहस्थ हैं, हम अमुक हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, ऐसा नहीं। हर किसी को कुछ न कुछ व्रत अवश्य करना चाहिए, इन चार महीने में कोई न कोई व्रत अपनी शक्ति सामर्थ्यानुसार, त्याग व्रत या कोई विधि युक्त या जो भी है, वो कुछ न कुछ नियम जरूर लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करता है तो वो जो है अपराधी है, पातकी है। इसलिए देखिए शास्त्रों में क्या कहा गया है कि महाभारत का वचन है कि वार्षिकांश चतुरो मासान वाहयेत् केन चिन्नरः और व्रतेन नो चेदाप्नोति किलविषम वत्सरोद्भवम। देखिए कह रहे हैं कि जो लोग चातुर्मास में कोई व्रत नहीं करते, वार्षिकांश चतुर्मासान वाहये केन चिन्नरा, किसी प्रकार से जो इनको निकाल देते हैं तो व्रतेन नो चेदाप्नोति, अगर कोई व्रत नहीं करते हैं तो किलविषम वत्सरोद्भवम, तो वो वर्ष भर से प्रादुर्भूत पापों को प्राप्त कर लेता है, माने एक वर्ष के पाप उसको लग जाते हैं यदि इन चार महीनों में कोई भी व्रत इत्यादि नहीं लेता है तो। इसलिए इनके बीच में जरूर व्रत करना चाहिए। देखिए कहा गया है कि इनको चार महीने बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्या क्या चीज है ये आचार प्रदीप में वर्णन है कि वृंताकं च कलिंगं च बिल्वौ दुंबर भी सटा उदरे यस्य जीर्यन्ति तस्य दूरतरो हरि, जिसके उदर में पेट में ये जो चीज रहती हैं तो उससे भगवान दूर हो जाते हैं, अर्थात वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता, भगवान का प्रेमी नहीं हो सकता चार महीने जो इनका सेवन करता। क्या होगा, ग्रंथा का मन बैंगन को खाता है ना, और कलिंगम, कलिंग माने होता है तरबूज, तरबूज को जो खाता है, और बिल्लो उदुम्बर भी सटा, बिल्लो बेल के फल को खाता है, और उदुम्बर उदुम्बर के गुलरों को खाता है, और भी सट माने होता है दग्धान्न, जो जले हुए अन्न को खाता है, ऐसे के जो इनके पेट में ये चीज रहती है तो भगवान उनसे दूर रहते हैं। देखिए हर शयन काल में चारों महीनों से संबंधित चर्चा है कि किस महीने में क्या क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे तो बहुत चीज परिवर्जन, जैसे अभी गिनाए इमली नहीं खाए, ईख नहीं खाए, गुड़ नहीं खाए, और बहुत सी चीज़ों को गिनाया गया है। तो कम से कम जो खास चीज़ें जिनका परिवर्जन करना ही है उनको यहाँ कहा जा रहा है। वैसे तो बहुत विधि निषेध हैं।
तो कह रहे हैं कि श्रावणे पर्जये छाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्धमाश्वयुजे मासि कार्तिके द्विदलम त्यजेत। निर्णय सिंधु में भविष्य पुराण का वचन देते हुए कहा गया है कि श्रावणे छाकम बर्जये, श्रावण महीने में हरी सब्जियों को, पत्ती वाली सब्जियों का परिवर्जन करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। दधि भाद्रपदे तथा, और भाद्रपद मास में जो अभी चल रहा है तो भाद्रपद मास में दही नहीं खाना चाहिए, कम से कम इतना ही कर ले, एक महीने दही नहीं खाएंगे, एक महीने सब्जी नहीं खाएंगे। दुग्धम आश्वयुजे मासी, और आश्विन में, जिसको आश्विन का या कुआर कई कहते हैं, कार ये आएगा जो भाद्रपद के बाद पितृपक्ष और नवरात्र वाला, तो इसमें दूध नहीं लेना है। दुग्धम आश्वयुजे कार्तिके द्विदलम त्यजे, और कार्तिक महीने में द्विदल, द्विदल माने, द्विदल माने है दाल, जितनी भी दालें हैं वो सब द्विदल हो जाते हैं, दो दल हो जाते हैं उसमें, फट जाते हैं, निकलती हैं, तो द्विदल, उन द्विदल का जो है कार्तिक में परिवर्जन करना चाहिए, ये हमारे यहाँ लिखा हुआ है। और देखिए एक पूजन से संबंधित है, ये जो है पद्म पुराण का वचन है, भार्गव जो है अर्चन दीपिका ग्रंथ है, भार्गवार्चन दीपिका, उसमें जो है पद्म पुराण का वचन देते हुए कहा गया है, निर्णय सिंधु में लिखा है कि शयनी बोधिनी मध्य शमी दूर्वाप मार्ग कई भृंगराजेन देवांस्तु नार्चयीत कदाचन। शयनी और बोधिनी मध्य, माने देवशयनी से लेकर के देव प्रबोधिनी एकादशी के बीच में, हर शयन काल में इन चीजों से देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए, अर्थात देवताओं पर ये वस्तुओं का समर्पण नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। शमी वृक्ष के पत्तों को नहीं चढ़ाना चाहिए चार महीने तक। दूर्वा जो है देवताओं पर नहीं चढ़ानी चाहिए। अपामार्ग कई, अपामार्ग भी देवताओं पर नहीं चढ़ाना चाहिए। भृंगराज एक पुष्प होता है, भृंगराज का तेल भी आता है, छोटा सा पौधा होता है, बरसात में हो जाता है, जहाँ जल होता है तो गर्मी में भी हो जाता है, उसको कहीं कहीं घमरा कहते हैं भाषाओं में, घमरा, वैसे भृंगराज नाम है। तो भृंगराजेन देवांस्तु नार्चयीत कदाचन, देवताओं को इनके द्वारा अर्चन नहीं करना चाहिए। खास बात देखिए कि ये एक निषेध है, लेकिन श्रावणी में जो हम अपामार्ग का प्रयोग करते हैं तो वो तो खुद के स्नान में करते हैं, तो वो वहाँ कर सकते हैं, देवताओं का अर्चन नहीं करना चाहिए। अपामार्ग की जो चिड़चिड़ा होता है, जिसको ओंगा कहते हैं कहीं कहीं, तो वो जो अपामार्ग की जो बाल होती है, जो उसमें फूल होता है लंबी, उसमें जो निकलती है बाल, तो वो उसका, उसके पुष्प कहा जाएगा उसका, उसमें जो दाने लगे रहते हैं चावल जैसे, उसको भगवान शंकर पर चढ़ाने का बड़ा महत्व है, लेकिन जो है बरसात में मना कर रहे हैं, बरसात में नहीं चढ़ाना है, और समय में चढ़ा सकते हैं। अब जो किसी को विशेष अर्चन करना है, सामान्य रूप से तो बचना चाहिए और देवताओं पे नहीं चढ़ाना चाहिए दूर्वा, लेकिन गणेश जी को बड़ी प्रिय है और गणेश जी का जन्म भी इन्हीं महीनों में पड़ता है, ये जो है गणेश चतुर्थी भाद्रपद में पड़ती है, तो कुछ विद्वानों का ऐसा मत है आचार्यों का कि गणेश चतुर्थी पे या कोई विशेष रूप से गणेश जी को प्रिय है तो गणेश जी पर दूर्वा से अर्चन करना चाहिए, तो वो इन हर शयन काल में भी हो सकता है, क्योंकि ये जो निषिद्ध वचन है वो सामान्य निषिद्ध वचन है और वो गणेश जी के लिए विशेष रूप से कही गई है, इसलिए गणेश जी का अर्चन जो है कर सकते हैं दूर्वा से अत्यंत आवश्यकता में। सामान्य रूप से तो ये निषेध सब पर ही लागू होता ही है, इसलिए इन पदार्थों को देवताओं पर समर्पण नहीं करें। कुछ पदार्थ बतलाए गए हैं कि इनका जो है सेवन नहीं करें, कुछ न कुछ पाठ से संबंधित, पूजन से संबंधित, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, बोले हम एक ही बार भोजन करेंगे, एक बार नहीं करेंगे, कुछ न कुछ व्रत चातुर्मास में व्यक्ति को अवश्य लेना चाहिए, अन्यथा पातक लगता है। हर हर महादेव।